गाइस बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, कम से कम 6-7 दिन बाद, नहीं ज़्यादा ही हो गया होगा, 10-12 दिन बाद शायद व्लॉग आ रहा होगा आएगा ये। और आज दिल्ली में बारिश फिर से हो रही है काफ़ी टाइम बाद। एक बार जब मैं गुलशन बनाने गया था तब भाई थी बारिश, उसके बाद में आज ही देख रहा हूँ बारिश, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाने चलते हैं। मन नहीं करता बिल्कुल सेल चलाने का, सोचता हूँ कि 11-12 बजे चल जाऊं धूप में, फिर वैसे ही मन नहीं करता ऑफिस टाइम पे। यार सही हो रहा है मौसम, कोहरा लगा और दूर ऐसे फोन पे कम दिख रहा है कोहरा, पर ऐसे सामने ऐसे ज्यादा दिख रहा है। अरे रे धोगी धोगी कुत्ते आ जाते हैं यार। सीख जाता है आदमी क्या बोलना है कैसे बोलना है, अब तुम डाल रहे हो एक हफ्ते बाद फिर डाल रहे हो फिर दम बिगड़ता है, फिर इम्प्रूवमेंट आती ही नहीं है ब्लॉगिंग में। या तुम डेली कुछ करते हो उसके बाद धीरे धीरे सीखते रहते हो, जो तुमने आज गलती करी कल वाले ब्लॉग में तुम ठीक कर दोगे, और अगर 10-12 दिन बाद डालोगे तो फिर आज तुम्हें गलती पता लगेगी, फिर 10-12 दिन बाद तुम भूल जाओगे क्या सुधार करना है कैसे सुधार करना है क्या कहना है क्या बोलना है। तो फिलहाल तो यही है, एक दिन मैं द्वारका की मंदिरों में जाऊंगा, सारी यहाँ पे
यहाँ थोड़ा सा लॉकडाउन सा चल रहा है तो कभी गाड़ी निकल रही है बाहर। दिल्ली में गढ़वाली गाने, कई लोग तो अभी भी शर्माते हैं कि पहले तो लोग गढ़वाली बोलने में ही शर्माते हैं, तो गाने तो फिर क्या ही सुनेंगे, बिल्कुल मॉडर्न समझते हैं ना लोग गढ़वाली नहीं बोलते हैं। मुझे भी आती है गढ़वाली बोलने, लेकिन फिर मैं गढ़वाली बोलूँगा फिर तुम समझोगे नहीं, फिर बोलोगे तुम बुलाओ, फिर तुम बुलाओ देखोगे नहीं। पहले सीट पर लगा देते हैं, वरना मैंने बहुत यूट्यूबर को देखा है कि जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं और फिर उनको चलाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात मास्क पहन लो, क्योंकि तो दिल्ली में हैं हम, बिना मास्क के भी चलान कट जाएगा। रोक देते हैं पहले, अब ठीक है। चलो चलते हैं, सारा काम निपटने पड़ गए हैं। और कई बार कहता हूँ मैं, वर्क फ्रॉम होम का यही फायदा है कि तुम अपने काम निपटा के चले जाओ, निपटाते चलते जाओ। और अपना काम भी बनता रहता है और ऑफिस काम चलता ही रहता है। ठीक है, और कभी ऑफिस खुलेंगे तो ये सब हाँ मिलेगा करने को, जब मैं काम भी कर रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ फिलहाल, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर।